हम इस वक्त मौजूद है सियाहती मुकाम गुलमर्ग में। गुलमर्ग जो है विंटर्स में बर्फ़ के लिए माना जाता है और इस बार जो है यहाँ पर खुली धूप छाई हुई है। सैलानी दूर दूर से आते हैं, वो इसीलिए यहाँ पर आते हैं कि ताकि वो यहाँ पर बर्फ़ देखे। अगर हम इस वक्त की बात करें या इस सीज़न की बात करें तो यहाँ पर जो है बर्फ़ हुआ करती थी और आज ये कह सकते हैं कि पहली बार जो है बर्फ़ यहाँ पर नहीं है। और सैलानी जो है वो आज नए साल पर यही देखने के लिए आए थे कि यहाँ पर बर्फ़ होगी, यहाँ पर स्कीइंग करें हम, ताकि वो अपनी ट्रिप का जो है पैसा वसूल करते हैं। अब मेरे पीछे देख सकते हो कि जो स्लोप्स है, जो स्कीइंग स्लोप्स है, वो खाली है, बर्फ़ नहीं है, पूरे धूप छाई हुई है। यहाँ पर जो है सैलानी जोगदर जोग इस वक्त आ रहे हैं गुलमर्ग का मज़ा लेने के लिए, यहाँ पर लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए, इसी लिए वो आ रहे हैं कि ताकि यहाँ पर वो बर्फ़ देखे। करते कुछ सैलानी के साथ बात, जानते हैं उनके तासरात। मेरे साथ एक कपल मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे यहाँ पर आके कैसा लगा। मैम पहले तो साल का पहला दिन है, बहुत बहुत मुबारक आपको भी। तो कैसा लगा आपको आके? बहुत अच्छा लग रहा, बहुत सुंदर जगह है आपका शहर, बहुत अच्छा है। कश्मीर तो बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, मतलब पेड़ पौधे बहुत अच्छे, अच्छे लोग अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो नए साल पे यहाँ पर आपको नया साल आपने यहाँ पर सेलिब्रेट किया, थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। मतलब थोड़ा अलग एक्सपीरियंस था कि मतलब आप लोगों के साथ, मतलब जहाँ होटल में रुके थे उन लोग के साथ हमने सेलिब्रेट किया, केक वेक काटा बहुत अच्छे से, मतलब खाना बहुत अच्छा था, तो बहुत अच्छा सेलिब्रेट हुआ है। पहले से प्लान था कि नए साल पे यहाँ पर ही आना है कश्मीर? हाँ, मतलब आने के 4 दिन पहले की प्लान है, मतलब 25 दिसंबर को भी प्लान, तो उसी समय हम लोग का प्लान हुआ और हम लोग आ गए। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, आप कश्मीर में हैं तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। कश्मीर में हमने इस बार थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि बर्फ़ नहीं गिरी, क्योंकि हम आए थे मेनली बर्फ़ के मज़े लेने के लिए, बस वही एक जो मिसिंग था, नहीं तो और सब बहुत अच्छा लगा। हम लोग आई थिंक हम लोग का 6th दिन है, 6th डे श्रीनगर, हम लोग 4 दिन थे, पहलगाम थे, तो बहुत ही अच्छी जगह है। एंड देखिए किस तरह का सपोर्ट यहाँ पर मिला आपको यहाँ के लोगों से? लोगों से तो काफ़ी सपोर्ट मिला, जहाँ भी गए हैं सबने बहुत ही प्यार से बात किया, रिस्पेक्ट दिया, काफ़ी अच्छा लगा, अपने लगे। एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि ठंड भी बहुत है। हाँ ठंड है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग नॉर्थ से ही हैं, तो हम लोग दिल्ली में भी रहे हैं, पटना में रहे हैं, तो वहाँ 3 डिग्री 2 डिग्री रहती है, तो इट्स फाइन, उतना हमें दिक्कत नहीं हुआ अभी तक। तो कितना एंजॉय किया आप दोनों ने? एंजॉय तो बहुत किए हैं। न्यू ईयर का हमारा प्लान था कि कश्मीर में बिताए, बर्फ़ के मज़े ले, तो मज़े तो आए, नो डाउट। तो क्या कुछ मैसेज रहेगी और शुभकामनाएं रहेगी नए साल पर? और बर्फ़ हो ताकि फिर आ पाए हम लोग। सबके लिए ये शुभकामना रहे कि सबका ये साल बहुत ही अच्छा रहे। अगर पिछला साल में कोई भी दिक्कतें हुई है तो भगवान करे इस साल उतनी कोई दिक्कत ना हो और सभी चीज़ें अच्छे से बीते, ये साल सबके लिए अच्छा हो, दैट्स ऑल। सर अपना नाम बताइए और आज पहला दिन है साल का, अब गुलमर्ग में तो कैसा लग रहा है? मेरा नाम यमनदीप है और मैं हूँ अपना चंडीगढ़ से, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ मैं। और गुलमर्ग तो यार मैं पहले वैसे आया हूँ यहाँ पे श्रीनगर में ना, पर गुलमर्ग मेरा मिस हो गया था, पर आज मैं आया हूँ न्यू ईयर के मतलब ओकेजन पे ना, बड़ा अच्छा लगा है। बचपन से वैसे देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे शूटिंग वगैरह होती है, जैसे यहाँ पे हुई थी आपके कसम की शूटिंग, तो राजेश खन्ना का भी फैन हूँ मैं वैसे, वो देखने आया था, तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है वादियों में आके, इट्स टोटली लाइक जन्नत टू मी ना। क्या प्लान बनाया था कि नए साल पे आना है कश्मीर? नहीं, जैसे दो दोस्त गए हैं मेरे, उनके साथ मैंने प्लान बनाया था कि हाँ जाना ही है श्रीनगर और कश्मीर घूम के आना है, तो बस यहीं घूमने आए हैं। तो क्या कुछ एक्सप्लोर किया आपने आज गुलमर्ग में आके? आज जैसे मैंने वैसे गंडोला राइड तो मैं बुक नहीं कर पाया था क्योंकि एट ए टाइम बना था हमारा प्लान, बाकी मैंने जैसे वो चिल्ड्रन वाला पार्क है और कल रात को वहाँ पे वो हुआ था, फेस्टिवल था, वहाँ पे गए थे और ये मंदिर गया हूँ, बाकी लेक वगैरह है और स्कीइंग वगैरह के वो गए हैं और अपना पैलेस है ना जो महाराजा पैलेस है वहाँ पे भी गए हैं। तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन कैसी हुई यहाँ पर? बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी, जैसे लेजर शो वगैरह था और जो सिंगर्स वगैरह होते ना लोकल थे ऐसे, बहुत अच्छा था, अलग ही एक्सपीरियंस था वैसे यहाँ का। हाँ जी, तो क्या कुछ मैसेज देगा आप पूरे इंडिया के लोग? नहीं वैसे है जन्नत है, यहाँ पे आओ विजिट करो और ध्यान भी रखो यहाँ का, है ना, क्योंकि एनवायरनमेंट वगैरह ये सेव करनी ज़रूरी है, इसलिए तभी सभी देख पाएंगे और बढ़िया, यहाँ पे आना चाहिए सबको।